हेलो एंड वेल्कम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री वाके बिहारी डेंटल कॉलेज के बारे में, जो कि गाजियाबाद में लोकेटेड है। तो श्री वाके बिहारी डेंटल कॉलेज की जो यहाँ की मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनका प्लेसमेंट है, इनकी फीस है, इनका एडमिशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे होगा, अगर आपके नीट में कम स्कोर आया तो भी कैसे एडमिशन होगा, तो ढेर सारी बातें जो इसी वीडियो में आपकी मतलब क्लियर करने वाला हूं। अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। श्री वाके बिहारी डेंटल कॉलेज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मतलब डेंटल कॉलेज इन दिल्ली NCR। एंड इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ तो गाजियाबाद में जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है। देन इसका जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट है वो 2004 में ये इस्टेब्लिश हुआ, 5 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है पूरा। देन ये जो इंस्टीट्यूट है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एंड इसकी अगर मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँ, जैसे ये इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी लखनऊ से एंड रिकॉग्नाइज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली से। एंड साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूट डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है। तो सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट होता है बीडीएस के लिए, बीडीएस और एमडीएस दोनों ही कोर्सेज आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बीडीएस के बारे में ही बातें करने वाले हैं। देन आगे बढ़ते हुए अगर आपको यहां पर बताऊं इसकी कुछ रैंकिंग वगैरह के बारे में, सो द बेस्ट डेंटल कॉलेज इन इंडिया बाय द नॉलेज रिव्यू मैगजीन 2022 फॉर एक्सेलरेटिंग डेंटल हाइजीन एंड ओरल हेल्थ साइकोलॉजी इन द कंट्री। एंड अब बात करते हैं हम यहाँ की फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या इनकी फीस रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना यार जानना। देन आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी। तो फीस आपको इस इंस्टीट्यूट की जो गेट एडमिशन के द्वारा मिल जाएगी वो 11 लाख विद हॉस्टल ये कैंपस आपको मिल जाएगा। अगर आपको बीडीएस में एडमिशन लेना है यहाँ पे तो 11 लाख में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप कॉलेज के थ्रू एडमिशन लेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 14-15 लाख पे करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे आपकी जो मतलब पूरे कोर्स की फीस मैं बता रहा हूँ वो 11 लाख में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी बताता हूँ, फिर बताता हूँ एडमिशन कैसे मतलब आपको क्या करना है। एलिजिबिलिटी, आपके नीट का स्कोर क्वालिफाइंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीट का अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद मतलब जो लास्ट ईयर की आपको कट ऑफ पता ही है नीट की यार क्या थी, लास्ट ईयर की जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 137, ओबीसी एसटी के लिए थी 107। तो अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया इस साल नीट एग्जाम में तो आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया इस पे आपको कॉल करना है, ठीक है। कॉल करके अपने जो एडमिशन के बारे में बातें करनी है कि कैसे कैसे एडमिशन हो सकता है, आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। आपको एडमिशन लेना है, गेट एडमिशन आपकी पूरी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो जो स्क्रीन पे दिए नंबर इस पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ ताकि हम आपका एडमिशन इजिली करा सकें, आपको कोई ज्यादा परेशानी फेस ना करनी पड़े और आपका एडमिशन इजिली हो जाए। प्लेसमेंट के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये जो कैंपस है ये आपको ऑफर करता है मतलब एवरेजली 3 लाख-4 लाख का पैकेज, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो ले सकते हैं, खुद से आप अपना डेंटल क्लिनिक भी खोल सकते हैं, उसका लाइसेंस आपको मिल ही जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके लिए यहाँ पे हैं। एंड इनके हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप एंड बाद में जॉब भी ऑफर की जाती है, इनका जो खुद का हॉस्पिटल है। तो उसके बाद धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है, आई गेस स्लो है बट ठीक है। ये काफ़ी पुराना डेंटल कॉलेज भी है तो आपको एजुकेशन वाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपोजर मिलने वाला है। एंड लेबोरेटरीज वगैरह इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इनका जो मतलब हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो है वो भी बढ़िया है। तो उससे क्या होगा कि अच्छे खासे पेशेंट आएंगे तो आपको अच्छा खासा एक प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिल जाता है। देन इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ की फैसिलिटीज़, अगर कैंपस फैसिलिटीज़ बताऊँ तो लाइब्रेरी, कैंटीन, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाईफाई एनेबल कैंपस, एसी क्लासरूम, जिमनेजियम एंड स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ वगैरह एंड हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। हॉस्टल भी काफ़ी एक डिसेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड देन इसके अलावा आई थिंक इस वीडियो में इतना काफी रहेगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गेट एडमिशन को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, टेक केयर।